सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 1v1 LOL ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में और के करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। नाम बड़ा अलग है यार इसका, 1v1 LOL। LOL तो क्या पता क्यों लिखा है इन्होंने, समझ में नहीं आया उसका फुल फॉर्म होगा कुछ। बट यहाँ पर ये जो गेम है ना, इसका साइज़ 165 MB है। साथ ही में ये वाला जो हमारा गेम है ना, ये बिना मोबाइल डेटा और वाईफाई के वर्क करता है। तो ये एक ऑफलाइन गेम है और ये एक ऑफलाइन बैटल रॉयल गेम है। यहाँ पर सेटिंग की बात करूँ तो कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे ग्राफिक्स जो है हमारी हाई तक जाती है, एंड उसके बाद में FPS हमारा 144 अगर आपके पास में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है तो कर सकते हैं। मेरा 120 नहीं, मेरा कितना है मेरे को पता देखना पड़ेगा, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ रिफ्रेश रेट, क्या पता क्यों, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है ना, इसकी वजह से। टच है, जनरल है और वो जो भी है बैक हो जाते हैं। अब हम यहाँ से, तो यहाँ पर ये जो है ना, इस पर मैंने क्लिक करा ना तो ये रीट्राई पर तो आ रहा है, बट प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑफलाइन का फीचर है तो उस पर क्लिक कर दूंगा ना तो वहाँ पर से हट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो एम ट्रेनर है, जोम्बी है, फ्री बिल्ट है, एंड VR प्रैक्टिस है। तो VR प्रैक्टिस ही हमारा जो है ना, ये क्या बोलते हैं, बैटल रॉयल का है। मैप ज़्यादा बड़ा, बहुत ही छोटा मैप है, ज़्यादा बड़ा मैप नहीं है यहाँ पर। मैप तो जूम इन जूम आउट नहीं होगा, बट वो आपको पूरा मैप तो ऊपर से जब हम जंप करेंगे ना तभी देखने को मिल जाएगा। और फोर्टनाइट का कॉन्सेप्ट है गेम के अंदर में। ये आप देख सकते हैं, मैप छोटा से ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। डेवलपर्स इसके मैप को बड़ा कर सकते हैं, पर बहुत टाइम हो गया इस गेम को आए हुए पर अभी तक नहीं करा, तो क्या पता फ्यूचर में करेंगे भी कि नहीं करेंगे। और यहाँ इस तरीके से हमारी लैंडिंग हमको देखने को मिलेगी। मैप को थोड़ा बड़ा कर देते ना तो मज़ा आता गेम खेलने में। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला फोर्टनाइट वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ बिल्ड विल्ड करने का तो हो गई सही। एंड चलो हाथ में ऐसे हथौड़ा ले लिया हमने, एंड यहाँ पर से जंप करने का भी है, पर इसको बनाएंगे कैसे यार, मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ बनाने का तो होगा, नो बिल्डिंग मटेरियल्स, जोन श्रिंक, अब इतने समय भी क्या श्रिंक होगा, बनाने का नहीं है, मटेरियल कैसे ढूंढेंगे। अच्छा हाँ समझ गया मैं, इस तरीके से मतलब मटेरियल में समझ गया क्या होता है। यहाँ पर हमको इन सब चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा ताकि मटेरियल मिले बिल्ड करने के लिए, और इसको भी मारना है हमको, इसको भी मारना है। एक बार इसको मार दें हम, और ये हमको बहुत जल्दी मार रहा है, पर ठीक है मटेरियल मिल गया है। और जो भी है यहाँ पर मटेरियल चेक कैसे करेंगे, चलो ये आ गया हमारे पास में, थोड़ा सा बैठ जाते हैं हम। उसके बाद में ये बिल्ड करके बनाना क्या रहता है वो मुझे समझ में नहीं आया है। इतना मैंने कभी फोर्टनाइट गेम प्ले नहीं करा है, मतलब ठीक है बट उतना ज़्यादा ध्यान से प्ले नहीं करा है कभी भी। फोर्टनाइट गेम डाउनलोड ज़रूर करा है, थोड़ा बहुत ही खेला है। हाँ तो जो भी है गेम ठीक ही है ओवरऑल। बाकी आपने इस वीडियो पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।